कि स्कॉर्पियो को ज्यादातर दो ही लोग लेते थे भाई, या तो जिनको बदमाशी करनी होती थी वो, या जो प्रॉपर्टी डीलर होता था, या जो प्रॉपर्टी डीलर होता था वो। तो आप इन दोनों में से कौन भाई? गाड़ी जो है ना वाकई में महिंद्रा वाले ने जानदार शानदार गाड़ी बना रखी। तो ये भाई स्कॉर्पियो आंसर, तो क्लियर कैमरा इसका है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आजकल सभी लोग नई स्कॉर्पियो के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन के बारे में। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपनी ओल्ड स्कॉर्पियो S11, जो कि उस टाइम पे टॉप मॉडल आया करता था। और भाई ब्लैक में क्या लग रही है गाड़ी देखो। गाड़ी को मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि सब लोग आजकल नई गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं भाई, स्कॉर्पियो एन बुक कर रहे हैं, एक एक साल की वेटिंग है बेस मॉडल पे। तो और टॉप मॉडल जो लग्जरी ले रहे हैं उनकी जेब से काफी पैसे जा रहे हैं, यानी कि वही 20 से 25-26 लाख तक पड़ रही है स्कॉर्पियो एन। तो अभी स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको बताइए, अभी दो ही मॉडल आ रहे हैं उसमें भी, और जो अपना S11 आ रहा है वो लगभग 18 लाख के आसपास पड़ रहा है। तो अपनी ये स्कॉर्पियो पुरानी वाली है, लेकिन ये स्कॉर्पियो जो पुरानी वाली भी जो ब्लैक कलर में लेते थे ना भाई, वो खतरनाक वाले स्कॉर्पियो लवर होते थे और उनको आज भी स्कॉर्पियो पसंद है। और ये अपने पास 2018 मॉडल है। तो आज मैं मिलाऊंगा इसके ओनर से आप लोगों को, और जानेंगे उनसे कि कैसा रहा उनका इस स्कॉर्पियो का सफर। और एक खास और बात बता देता हूँ कि उन्होंने अभी भी न्यू स्कॉर्पियो एन बुक कर रखी है। तो मैं स्वागत करता हूँ अपने दोस्त का, जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, देवराज। आओ भाई, स्वागत है भाई हमारे चैनल पे। तो भाई हमारे मित्र आ गए हैं, प्यार से हम इनको पंडित जी कहते हैं। तो पंडित जी, भाई आपने जैसे कि मैंने बताया 2018 मॉडल है और अपनी S11 है जी भाई। तो सबसे पहले भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी उस टाइम पे? ये गाड़ी उस टाइम पे 16 लाख 80 हज़ार रुपये मेरे को पड़ी थी ऑन रोड। भाई तो गाड़ी गुड़गांव नंबर है और उस टाइम पे 16 लाख 80 हज़ार रुपये की पड़ी थी, तो सबको ही पता होगा। तो भाई आपको मतलब गाड़ी यही क्यों लिया आपने, पहले सवाल तो ये है भाई। दमदार गाड़ी है, जानदार गाड़ी है, मजे आते हैं। मैं बताता हूँ। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात मैंने देखी है और आप भी मानोगे भाई, कि स्कॉर्पियो को ज्यादातर दो ही लोग लेते थे भाई, या तो जिनको बदमाशी करनी होती थी वो, या जो प्रॉपर्टी डीलर होता था वो। तो आप इन दोनों में से कौन भाई? प्रॉपर्टी डीलर और पार्ट टाइम बदमाशी कर लेते हैं। तो भाई का प्रॉपर्टी का काम है जैसे कि मैं कह रहा हूँ, बस इनको दो ही लेते थे भाई, जो इनको अपना एक हवा बनाना होता था ना, उस टाइप के लोग इस टाइप की गाड़ी को पसंद करते थे। तो भाई का प्रॉपर्टी का काम है, भाई को भी एक 6-7 सीटर गाड़ी की जरूरत थी और भाई को चाहिए थी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया, जो रफ एंड टफ गाड़ी हो, तो इसलिए भाई ने ये गाड़ी ली। फिर यार दोस्त भी सब मोस्टली यही सर्च कर रहे थे कि भाई स्कॉर्पियो बढ़िया अच्छी गाड़ी है। हाँ, क्योंकि हमारे गाँव का माहौल है कि इस तरह की गड्ढे वड्ढे थोड़े ज्यादा रहे भाई। हाँ, गाँव में तो ऑफ रोडिंग ही होते गाँव में। तो पंडित जी हम दोनों भाई कितने साल से दोस्त हैं? हम भाई कम से कम 18 साल हो गए हमारे को यार दोस्त। 2004 से हम एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, हम बिल्कुल साथ में पढ़ते थे, पहले ये बता दूं भाई, क्योंकि मैं भी जानता हूँ और मैंने भी पंडित जी की गाड़ी कई बार चलाई है। तो आज मैं इनसे मिलने आया हुआ था। तो अभी भाई आपने कौन सी गाड़ी बुक कर रखी है? अभी भाई स्कॉर्पियो एन कर रखी है, Z6। Z6 में सबको पता ही होगा कि भाई बहुत ज्यादा वेटिंग है, क्योंकि अभी सिर्फ लग्जरी डिलीवर कर रहे हैं, अभी तो Z6 बननी भी स्टार्ट नहीं हुई है। उन्होंने 2024-23 की डेट दी है, 23-24 के आसपास की डेट दी हुई है। हाँ, 2023 का मैंने आपको पर्चा देखा, उसमें 2023 अगस्त की डेट मिली है, तो मतलब एक साल की वेट करना पड़ेगा आपको। तो कोई आपको तो कोई दिक्कत नहीं वेट करने में आपके पास, तो अभी भी स्कॉर्पियो है। तो भाई गाड़ी आपने कितनी चला दी, आओ गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं। गाड़ी अपनी 76,000 के आसपास चली हुई है भाई। तो भाई 76,800 कुछ गाड़ी चली हुई है। तो पंडित जी आपने सिर्फ अकेले ही आपने ड्राइव किया है या सभी यारे प्यारे ने सबने मिला के चलाई है? सबने मिला के चलाई भाई, यार दोस्त यार प्यार सब कुछ, पारिवारिक रिलेशन भी अच्छे हैं। आप जैसे भाइयों के साथ जैसे हैं, तो भाई परिवार भी बहुत बड़ा है, तो कोई ना कोई साथ लेके चले जाता है। हाँ बिल्कुल, जब किसी को जरूरत होती है भाई 5 सीटर से बड़ी गाड़ी की, तो सब अड़ोसी पड़ोसी या यार दोस्त भाई कहते हैं कि गाड़ी का। अच्छा इस गाड़ी की एक खास बात और है भाई, कि इसमें हमारी पीछे जो सेकंड रो है ना, वो कैप्टन सीट में है। तो इसका तो भाई, इसकी जो पुरानी जो स्कॉर्पियो आती थी उसकी जो मिडल सीट थी वो कंफर्टेबल नहीं थी, तो शायद यही रीजन रहा होगा आपका। हाँ, कि भाई कैप्टन सीट वाली मॉडल, ये रीजन था, बिल्कुल ये रीजन था, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती थी। हाँ, डिक्लाइन एंगल भी कम था, ऐसे करो उसमें थोड़ी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए। तो मतलब जबरदस्त है, पिछले अभी बंदे इसमें कंफर्टेबली बैठते हैं भाई, वो पीछे अगर एक्स्ट्रा बिठाना हो तो 7 का मतलब 7 सीटर ही है। मोस्टली क्या होता है कि 7 सीटर बोल के 6 सीटर मिल जाए,
उनमें स्पेस कम होता है, बट इसका सेवन का मतलब तो सेवन ही है, सेवन ही है बिल्कुल। आगे दो हो गए, पीछे दो हो गए, तीन पीछे हो जाएंगे भाई, असली से बैठ जाओ, सेवन सीटर आराम से बैठे। तो भाई अब आपने जैसे मान लो 76 चलाई है, तो 76 में से कम 50 तो आपने चलाई होगी। हाँ 50 कम से कम मैंने चलाई भाई। तो 50 जब आपने चलाई, तो वैसे तो गाड़ी अभी जैसे हम एक हाथ से गाड़ी चलती है तो गाड़ी अच्छी तरह से मेंटेन भी रहती है और माइलेज का भी ये रहता है भाई, गाड़ी एक आदमी चला रहा है तो उस हिसाब से माइलेज अच्छी निकालने की कोशिश करता है, और जब गाड़ी कभी कोई चला रहा है कभी कोई चला रहा है तो माइलेज की तो क्या ही बात करें। वैसे फिर भी आपने डीजल में ये गाड़ी है अपनी भाई S11, तो क्या माइलेज दे रही है भाई? ये 14 के आसपास दे रही है मेरे को, तो ये लोकल में 13 और हाईवे पे 14 भी देती है और 15 भी चली जाती है। अच्छा, अब 80 के आसपास चलाओगे ना इसको, 80 से 100 के भी चलाओगे तो 16 भी चली जाती है। अच्छा, तो माइलेज तो ठीक है डीजल में देखा जाए तो, माइलेज की तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्रॉपर्टी डीलर है। तो आपने गणेश जी की मूर्ति लगा रखी है भाई, है गाड़ी जो है ना वाकई में महिंद्रा वाले ने जानदार शानदार गाड़ी बना रखी है, लगा कि आदमी हाँ भाई है। मिडिल क्लास, मैं ये नहीं कहता कि भाई मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी इतनी अच्छी है कि भाई हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल, ये मतलब पहले के टाइम में क्या था कि इसको ऐसे फैमिली कार हम प्रेफर नहीं करते थे भाई। एक वही जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ग्रुप जब चलता है ना तो उनको एक स्कॉर्पियो की जरूरत रहती है, चाहे आप घूमने जा रहे हो बाहर, तो आप इसको बाहर भी लेके गए होगे ट्रिप पे पहाड़। भाई हमने इसको मनाली, मंसूरी, अपना शिमला, मतलब ये लगा लो हिमाचल, सब हर जगह गए भाई, हर जगह। तो कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत? थोड़ा सा जब जितने भी हमने अभी पुरानी स्कॉर्पियो वाले देखे हैं वो सब कहते हैं भाई बॉडी रोल है, जब गाड़ी हम टर्न करते हैं तो थोड़ी सी गाड़ी ऐसे झूलती है। तो पहले वाली से तो बहुत अच्छी है, बैलेंस गाड़ी है, पहले वाली जो थी जो इससे पहले से लास्ट वाला जो पीछे वाला मॉडल था जो आई थी उससे तो बहुत ज्यादा बैलेंसिंग गाड़ी है। लेकिन अभी आपने स्कॉर्पियन की टेस्ट ड्राइव ली नहीं है? नहीं वो नहीं, लेकिन सिर्फ आपने बुक कर दिया, बुक करी है। तो अभी स्कॉर्पियन आप चलाओगे ना तो उसमें तो और कम कर दिया है अभी बैलेंसिंग, तो उसमें आपको और अच्छा लगेगा। अभी क्या कर दिया, जैसे कि इसमें ये गियर नॉब दिया हुआ है भाई, काफी लंबा लग रहा है ना। अब स्कॉर्पियो जो नई आ रही है ना उसमें काफी छोटा और स्मूथ है जी भाई, और स्टीरियो भी उसका काफी बड़ी स्क्रीन है यहाँ पे ऊपर। उसमें वीडियो सिस्टम नहीं है, उसमें वीडियो सिस्टम भी कर दिया जो अच्छा। हाँ, वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं ये है। अब इसमें आपने बाहर से कैमरा वैमरा इंस्टॉल कर रखा है कैसे? क्या कैमरा तो इनबिल्ट है इसमें? अच्छा, इनबिल्ट आता था इसमें, कंपनी की तरफ से जीपीएस सिस्टम मिला था मेरे को। तो एक चीज बताऊं, मैं जो देखने में मेरे को लग रहा है कैमरा, तो ये भाई स्कॉर्पियन से तो क्लियर कैमरा इसका है, स्कॉर्पियन का कैमरा है, इतना कैमरा भी है इसका। अच्छा, रियर कैमरा भी है भाई। अच्छा हाँ जी भाई। तो भाई गाड़ी से बाहर आ गए हैं और गाड़ी के शीशे हैं ओपन, तो अभी पंडित जी भाई दिखा रहे हैं हमें। ये जो है ना ड्राइवर साइड का जो शीशा है, जैसे आप लॉक करोगे। अच्छा अच्छा, ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। अच्छा, आप गाड़ी आपने लॉक कर दी और ये इसमें खुला भी रह जाता ना, तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिक आप लॉक करोगे ना। हाँ, ऊपर हो जाएगा। सिर्फ ये ड्राइवर ड्राइवर है, ड्राइवर सीट का। तो भाई ब्लैक गाड़ी को मेंटेन रखने में कितनी मशक्कत करी है भाई? खुद का सर्विसेशन है, आपको पता ही सारी चीजें भाई। ये बात तो है, भाई का तो खुद का सर्विसेशन है, तो भाई को इतनी मशक्कत की जरूरत नहीं है। अच्छा, गाड़ी जैसे हमारी भाई 76 कुछ चल चुकी है, तो इसका टायर क्या हुआ, चेंज वेंज कितने पे कराया आपने, कितने किलोमीटर कराए थे? 50,000 के आसपास टायर चेंज कराए थे। 50,000 के आसपास आपने टायर चलाए थे इस गाड़ी में? जो टायर थे ना पुराने, अच्छा ज्यादा थोड़े से मतलब हो गए थे, बाकी अब नए बिल्कुल अच्छे हैं। अब मिशलिन के डलवाए थे, ये टायर सबसे जेन्युइन टायर है मिशलिन के। अच्छा, मिचलैन के टायर आप पड़ते हैं, लेकिन इन टायर का कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, इसकी क्या कॉस्ट पड़ी थी भाई आपको एक टायर? ये भाई 13,800 रुपए के पड़े थे मेरे को, 13,800 का एक टायर। एक टायर, और इसमें एक साल की गारंटी थी, अगर पट कट जाते हैं तो कंपनी बदल के देगी। लेकिन अभी आपको पता है कि चाइना के साथ चल रही थी लास्ट ईयर, तो उसके बाद ये टायर आने बंद हो गए, कंपनी ने बंद कर दिया, मिचलैन को बैन लगा रखा है। अच्छा, मिचलैन नहीं कहीं भी नहीं मिल रहा मिचलैन। अच्छा, तो चलो आपको तो मिल ही गए। हाँ, मेरे को मिल गए दो। तो भाई जैसे कि आपने देखा कि इसमें तो भाई अपना पुराना लोगो ही आता है, क्योंकि अपना मॉडल 2018 है और ये ग्रिल है, ये इसका मतलब टॉप मॉडल है भाई, इसमें सब कुछ अपना प्रोजेक्टर वगैरह सब चीज आ रहा है। हाँ, तो भाई जैसे मैं बता रहा था S11 है, तो ये S11 है, और भाई जो चीज़ें अब इसमें मिल रही है ना, इसको अब जो नई स्कॉर्पियो बेशक लेके आ जाएंगे ना, लेकिन वो इस गाड़ी को कभी नहीं भूलेंगे भाई, क्योंकि इसकी जो इसने अपनी गाड़ी में एक रोब बनाया हुआ है ना, उसी की वजह से स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो क्लासिक बिक रही है, मतलब मार्केट इस गाड़ी ने बनाई थी तब वो बिकेंगी। वो कहते हैं ना भाई ओल्ड इज गोल्ड, तो वो है भाई, और ब्लैक कलर में गाड़ी कसम से खतरनाक। तो भाई आप चलते हैं इसके पीछे कैप्टन सीट, देखते हैं कैसे कंफर्टेबल है। तो पीछे भी बैठे हो आप कभी भाई? पीछे बिल्कुल बैठे हैं भाई, क्योंकि भाई के प्यार में बहुत बैठे हैं पीछे। तो गार्ड मतलब सीट तो यार पीछे भी कंफर्टेबल है, आप जाओ जितने अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नहीं, और इस सबसे फायदा क्या है कि भाई सीट कवर जो है ना कंपनी से फिटेड थे। अच्छा, सीट कवर जो है और मैंने कभी भी एक रुपए नहीं लगाया है, जैसे थे वैसे थे, बिल्कुल जैसी गाड़ी मिली आपने कोई एक्सेसरीज का पार्ट नहीं लगाया। अच्छा भाई ठीक है, पीछे भी मतलब ठीक है थोड़ा सा भाई वो, और ये इसमें ये भी इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ कि पानी वजह से आप ग्लास वगैरह बैठ जाते हो, अपना आर्मरेस्ट भी है भाई पीछे।
पीछे की सीट पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और स्पीकर वगैरह के बारे में क्या बताना चाहोगे? स्पीकर भाई इनबिल्ट है, 4 स्पीकर इनबिल्ट इसके अंदर। अच्छा, बाकी बेस ट्यूब हमने भाई से, आप दीपक भाई से लगवाई थी। अच्छा अच्छा, बाहर से स्पीकर बेस ट्यूब पीछे लगवा रखे डिग्गी में। अच्छा, 8 इंची का। इसमें एक दिक्कत यही है कि भाई बेस ट्यूब 8 इंची की लगती है, 10 इंची की नहीं लग पाती। अगर 10 इंच की लगे तो स्पेस कम रहता है ना इसमें, 10 वो फिर डिग्गी बंद नहीं होती। वो बंद नहीं होती। अगर 10 इंची की लग जाती तो फिर गाड़ी में कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल। स्पीकर वगैरह, स्पीकर इनबिल्ट स्पीकर है, बहुत जबरदस्त आवाज है, बिना बेस ट्यूब के बहुत अच्छी आवाज इसकी। तो आपने बिना, एक चीज और है भाई, जो जैसे मुझे पता ही है कि आपने स्कॉर्पियन देखी नहीं प्रैक्टिकली, आपने देखी सामने? नहीं देखी। सामने देखी है। अब देखिए ना, बुक करने के बाद देखी है, पहले देख ली थी? पहले देखी आ देखो। अच्छा, पहले देख ली थी, इसके बाद बुक करी थी। मैं को लग रहा था कि आपने देखी नहीं, ऐसी बुक कर ली थी। टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी उसकी। अच्छा, टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी। तो उसी फिर उसी सेम रेट में भाई वो सनरूफ थोड़ा अच्छा। अच्छा, सनरूफ की वजह से आप स्कॉर्पियन की तरफ जा रहे हो, अदरवाइज आप स्कॉर्पियो क्लासिक ही ले लेते हैं। तो स्कॉर्पियो का लालच ज्यादातर तो बच्चों को होता है, तो आप भी शायद बच्चों की वजह से ले रहे हो, या अपना ही शौक है स्कॉर्पियो का, सनरूफ का? आपके भतीजा, आपको पता है सारी बातें। ठीक है, वो बच्चा बोले पापा इसी रेट में अगर हमारे को अगर लेनी है तो इससे सनरूफ वाली ले लो फिर। बिल्कुल, ताकि उसका भी शौक पूरा हो जाए। और भाई पैसे तो खैर उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा तो जाएंगे भाई, स्कॉर्पियन में क्लासिक जैसे 18 साढ़े 18 पट रहे तो वो 20-21 तक जाएगी, जो भी जाएगी। बाहर से लगवाने में दिक्कत है भाई, बाहर से तो भाई, बाहर से तो बाहर से होता है, टपकती है फिर वो, बाहर दिक्कत रहती है, बाहर से तो बाहर से होती है। लेकिन बाहर से भी आजकल काफी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन पता होना चाहिए कि कहाँ पे अच्छा हो रहा है। तो इतने अब हर आदमी को इतनी नॉलेज है नहीं एक्चुअली बाहर कहाँ पे काम हो रहा है। करोल बाग में तो सब कुछ चेंज ही कर देते हैं भाई। तो भाई पीछे इसमें एसी वेंट ये जो मिल जाते हैं आपको दो, तो इसका कैसा फ्लो है? बढ़िया है, बहुत जबरदस्त बढ़िया है भाई। आपको ये मतलब गर्मी के साथ नहीं होने देगा, गर्मी में भी पीछे भी ये और आगे भी पीछे भी। तो पीछे भी आपको मतलब 12 वोल्ट का वही एक सॉकेट मिलता था, आजकल तो भाई USB वगैरह सब कुछ मिलते हैं, सी टाइप वी टाइप सब कुछ चल रहे हैं आजकल। तो गाड़ी ओवरऑल भाई पूरी जबरदस्त लुक के साथ है, और गाड़ी मतलब अभी अपनी 4 साल पुरानी हो गई ना भाई। चार साल पुरानी होने के बाद भी आपने काफी अच्छी मेंटेन की हुई है, या इसका दो ही रीजन है? दो क्या, एक ही रीजन है भाई कि आपका खुद का सर्विस सेंटर है। ये सारा क्रेडिट भाई अशोक जाता है सर्विस स्टेशन वाले को, वो लड़का है अपने पास। तो भाई के पास तो सर्विस स्टेशन है, इसलिए भाई ने ब्लैक कलर ले रखा है। स्कॉर्पियन का कौन सा कलर आ रहा है भाई? ब्लैक ही है। तो भाई वो भी ब्लैक आएगा, तो भाई क्या दिक्कत है? इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई, जिस अपना ही सर्विस स्टेशन हो तो क्या दिक्कत है, ब्लैक लो भाई। तो एक क्रोम वगैरह का काम आपने थोड़ा बहुत बाहर से करवा रखा है, ये जो कंपनी से करा था भाई। अच्छा, ये भी कंपनी से ही है जैसे? हाँ, जर्मन चीजें हैं, नहीं यार कोई दिक्कत आई इसमें। हाँ, अगर बाहर से आप लगाओ तो 1 साल के अंदर आपको दोबारा चेंज कराना पड़ेगा। हाँ, इधर का टेल लाइट का तो निकल गया बस। वही भाई पीछे से गाड़ी बैक कर रहे थे, भाई ने लगा दी थी। अच्छा, लाइट ही टूट गई थी क्या? अच्छा, लाइट ही चेंज हुई है, चेंज हो गया। छुटा नहीं कंपनी का, लेकिन लाइट के साथ निकला है। तो ठीक है भाई, गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है और बहुत बढ़िया चली भी है। पुरानी वाली स्कॉर्पियो में ना ये जो पार्ट है ना इसका भाई, ये ब्लैक आता था, आ रहा है देखो, ये ब्लैक ही है, ब्लैक था, लेकिन अब ये चेंज कर दिया भाई नई स्कॉर्पियन में, ये पूरा रेड कलर का दे दिया यहाँ तक, और वो भी अच्छा लग रहा है। लेकिन जो इसकी लुक है ना, ये फुल ब्लैक के साथ में ब्लैक ही ज़्यादा जचता था मेरे हिसाब से। तो ये थे हमारे पंडित जी भाई, और ये था इनका रिव्यू। और भाई सबके पास तो है स्कॉर्पियो, और भाई भी लेके आ रहा है स्कॉर्पियो है। ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर। ये होता है भाइयों का सपोर्ट, बिना कहे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है हमारे चैनल की भाई। तो भाई की मान लेना भाई, मेरे तो तुम मानते नहीं हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना भाई स्कॉर्पियो लवर के पास। बाय बाय। जैसे कि आपको बताइए, टॉप मॉडल है तो इसमें LI व्हील मिल जाते हैं, कंपनी फिटेड मिलते थे इसमें।